नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। दोस्तों, 12-12 का पोर्टल स्टार्ट होने जा रहा है, जिस कारण बहुत सी सोल्स अभी से कुछ चेंजिंग को फील कर रही होंगी। बाकी आप सब लोग तो काफ़ी टाइम से जो इस जर्नी में हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो अच्छे से जानते होंगे 12-12 का पोर्टल क्या लाता है। आज हम 12-12 के पोर्टल की चैनलिंग लेकर आए हैं। जो भी न्यू सोल्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। 12-12 का पोर्टल एक अनंत प्राणी के रूप में आपके आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। 12-12 का पोर्टल एक पवित्र कोड है जो आपके मर्कैविक क्षेत्र को एक्टिव करता है। तो हम इस साल के अंत के गेटवे का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो तेजी से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शून्य पॉइंट रीसेट स्टार्ट कर रहा है। शून्य बिंदु बैलेंस को घुमाकर सभी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को आपके मन, मस्तिष्क और भावनाओं में पोलराइजेशन को खत्म कर क्रिया करता है। तो पुनर्जन्म और हायर फ्रिक्वेंसी की ओर लेकर जाता है। यह डिवाइन इंटरवेंशन का गेटवे है। दोस्तों, 12-12 का पोर्टल इस साल का अंतिम या लास्ट पोर्टल है, जो बहुत सी ब्लेसिंग्स, अवेंडेंस और हैप्पीनेस को लेकर आता है, जहां कार्मिक्स का एंड होगा और न्यू ब्लेसिंग्स यह पोर्टल लेकर आ रहा है। जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है और खुद पर काफ़ी नर्वक कर बैलेंस की सिचुएशन में आ गए हैं। दोस्तों, यह पोर्टल ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जब आप डिवाइन से डायरेक्ट एनलाइटमेंट में आते हैं और अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आपके लिए अपनी डोर ओपन करते हैं। सो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, करियर बिजनेस रिलेटेड हो, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोग किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए थे, कुछ भी करने पर कुछ भी वे नहीं निकल पा रहा था, या फिर फाइनेंशियल इशू या मनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, या फिर फैमिली हेल्थ इशू आदि से काफ़ी टाइम से परेशान थे या प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, अब उसका एंड होगा। सो एक चेंजिंग यह पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखाई दे सकती हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बहुत से नंबर्स की सिंक्रोसिटी हो रही होगी, जैसे कि 1212 1221 369 555 1441 1313, या फिर 31 या 13 333 555 111 111, जैसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके एंजल्स, डिवाइन या फिर गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, आप सही या राइट पाथ पर हैं और गॉड या डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है। सो अपने डिवाइन एंजल्स पर अपनी ट्रस्ट को बनाए रखें, पेशेंस को बनाए रखें और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें। बहुत सी सोल्स को 11-11 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, जो मिररिंग नंबर होता है, यानी आपका ट्विन आपको मिरर कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपके ट्विन भी सोचेंगे। सो इस टाइम खुद को पॉजिटिव रखें, ऐसा कुछ नेगेटिव ना सोचें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका आपके ट्विन से झगड़ा हो सकता है, दोनों ही एक दूसरे को नेगेटिव बोल सकते हैं। सो अगर नेगेटिव थॉट्स या आ रहे हैं तो उन्हें वहीं स्टॉप कर दें। दोस्तों, यह नंबर रीयूनियन को भी दिखाता है। आपका आपके ट्विन के साथ रीयूनियन हो सकता है और लास्ट वीक काफ़ी सोल्स का रीयूनियन हार्मोनियस रीयूनियन भी हुआ होगा और हो भी रहा होगा। जो लोग कार्मिक अकाउंट में फंसे थे वो ब्रेक होगा और आप अपने ट्विन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सी सोल की पार्टनर उन्हें परमानेंट यूनियन के लिए प्रपोज कर सकते हैं या वो परमानेंट यूनियन में आए होंगे। बहुत सी सोल्स को गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दोस्तों, 12th डायमेंशन पर हमारी हीलिंग होती है।
इस टाइम यह है, तो यह पोर्टल बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल को अपग्रेड करता है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। हमारा अशेंशन लेवल अपग्रेड होता है, हम जो पीछे सीख कर आ रहे होते हैं अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आप अपग्रेड होंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी पूरे साल में सीखते हैं, लर्न करते हैं, या हर साल 12-12 का यह पोर्टल में हमारी एनर्जी अपग्रेड होती है, हम नेक्स्ट लेवल में एंटर करते हैं, अशेंशन से गुजरते हैं। इस टाइम हमारी एनर्जी हाईली स्पिरिचुअल हो जाती है। जो लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आए हैं, उन्हें उनके सोल पर्पस से अवगत कराया जाएगा डिवाइन द्वारा, और वो अपना सोल पर्पस जानकर उन पाथ पर आगे बढ़ेंगे। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं और बहुत सी चीज़ें जो आपसे हाइड थी या आपको आपके ट्विन ने नहीं शो की थी, वो आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका ट्विन और आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी ओर ना आए और आपको वन साइड कर दे और आपके डिसीजन का वेट करे, ताकि आप स्टक ना रहें कि अब आगे क्या करना है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रेजेंस में आकर डिसीजन ना लें पाए, सो वो आपको अकेला कर सकते हैं, ताकि आप फ्री माइंड से सब सोच समझ कर इंडिपेंडेंटली ही डिसीजन लें कि आगे अपनी लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ या अदर साइड, आपको यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। आप उनके इस बिहेवियर से उनसे नाराज हो सकते हैं, उन्हें सेल्फिश समझ सकते हैं, बट यह जरूरी है। आपको डिवाइन कुछ लेसन देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, डिसीजन पावर आप में लाना चाहते हैं, सो घबराए नहीं, आपका ट्विन कहीं नहीं जा रहा है, डिवाइन टाइम पर वो आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, न्यू बिगिनिंग का टाइम है, पॉजिटिव बने रहें, और 12:12 पर आप जो भी उस दिन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डिवाइन के सामने जरूर रखें, डिवाइन से एनलाइन हो, और मेडिटेशन जरूर करें, प्रे करें, अपनी विश को विजुलाइज ज़रूर करें। कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना और एक हैप्पीनेस के साथ उसे फील करें, क्योंकि जो आप सोचेंगे फील करेंगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि यह 12:12 का पोर्टल काफ़ी ब्लेस्ड है। अगर आप कोई प्रेयर या चैंटिंग इस दिन करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप इस टाइम यूनिवर्स या डिवाइन से एनलाइट रहेंगे, एनर्जी का एक बहुत ही हाई लेवल पर आप हैं, सो एक रिसीविंग मोड पर रहना है। इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन को, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इनर वर्क करती हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, डिवाइन के साथ एनलाइटमेंट में आती हैं। हालांकि दोनों ही सोल फील करती हैं, बट डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा ही उनके ज़्यादा ही करती है, क्योंकि उनके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग को वो इस टाइम फील करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं। अभी से उन्हें यह फील हो रहा होगा, उनके गले में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस या माउथ में ड्राइनेस या पानी पीने के बाद भी प्यास लग सकती है। आपको अपने चक्रास पर पेन, बैक पेन आदि हो सकता है, कोल्ड फीवर जैसा आपको फील हो सकता है, बॉडी में ठंडा गरम लग सकता है, झंझनाहट से आपको फील हो सकती है, सीने में या फिर हार्ट में हैवीनेस को आप फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग सकती है या फिर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, इस तरह से आप फील कर सकते हैं, या फिर आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होंगे, आपकी एनर्जी हाई हो सकती है, आपका गुस्सा बढ़ सकता है। जो सोल्स खुद को बैलेंस में रखते हैं वो उसी सिचुएशन में रहेंगे, बट जो नहीं रखते उनका उनके ट्विन के साथ झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, सो ध्यान दें अपने चक्रास, खास तौर पर रूट चक्र और हार्ट चक्र और क्राउन चक्र एक्टिव होंगे इस टाइम, और इस कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट आप करेंगे जो आपकी अपनी अंदर फील होगी। जब आप इस एनर्जी को कनेक्ट करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि आपका ध्यान खुद ही मेडिटेशन या डिवाइन में लगेगा। किसी किसी
सोल्स को लेजीनेस सी फील हो सकती है, नींद ज़्यादा या कम आ सकती है। आप गहरे ध्यान में खुद ही जा सकते हैं, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल सकती है, विजन दिख सकते हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। सेंसेशन सा आप पूरी बॉडी में करंट जैसा फील कर सकते हैं, जो यही बताता है कि आप इस पोर्टल की एनर्जी के साथ एनलाइन हो रहे हैं, जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। आपके ब्लॉकेज हैं, जो नेगेटिविटी है, या अगर आपको कुछ बीमारी है, इस टाइम वो सब सरफेस पर आएंगी, क्योंकि यह ब्लॉकेज हैं जिन्हें यह कॉस्मिक एनर्जी डीपली हील करेगी और रिलीज भी होंगे। आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, पेन आदि आपको फील हो सकता है, क्योंकि यह आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, यह एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन पर इक्वली इफेक्ट डाल रही है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी इनर वर्क करती हैं, तो इन कॉस्मिक एनर्जी को वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो ऐसा कोई इनर वर्क नहीं करते हैं, तो उनके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं, जिस कारण हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट में इस तरह की हैवी एनर्जी को फील कर सकती है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो परेशान ना हो, यह पोर्टल के कारण ही है, जो आपके अदर काउंटर पार्ट की ही एनर्जी है। 12th का पोर्टल पर बहुत बड़े हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो आपके काफ़ी गहरे दबे हुए खाब जख्म हैं वो सरफेस होंगे और ऑटोमेटिक रिलीज भी होंगे। जिन लोगों ने खुद पर वर्क नहीं किया है, उन्हें इस टाइम बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा पेन में जा सकते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि वो अपने काफ़ी पुराने ओल्ड पैटर्न में फंसे होते हैं और उन पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, उसी ढर्रे में खुद को बांधे रखते हैं, उसे इसलिए भी तोड़ना नहीं चाहते कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, एक फियर की एनर्जी में वह रहते हैं। चेंज पेनफुल होता है ऐसे सोल्स के लिए, क्योंकि वो पुराने साइकिल में रहना चाहते हैं, क्योंकि वे हैं कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। खासकर हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो अपने कार्मिक पार्टनर या ओल्ड साइकिल को ब्रेक नहीं करना चाहते, उसी में कंफर्ट फील करते हैं। सो जब वो ऐसे ही कंफर्ट जोन में ही रहते जाते हैं, तो यूनिवर्स या डिवाइन द्वारा ही उन्हें पुश किया जाता है, ताकि वो उस ओल्ड पैटर्न से बाहर आ सकें, क्योंकि डिवाइन वही करना चाहते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, और इस जर्नी का पर्पस ही अपनी सोल को प्योर करना है, एक प्योरिटी लाना है। तो यह आप इस टाइम फील कर सकते हैं। दोस्तों, जो एनर्जी आप रेजोनेट करें, उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस टाइम बहुत सी सोल्स जो काफ़ी टाइम से एक ही पैटर्न में चले आ रहे थे, अब वो खुद उसे चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर वो कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत टाइम से आप कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे थे, अब आप वो करना चाहेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। जॉब चेंज का अगर आप सोच रहे हैं, तो अच्छे अदर ऑफर उन्हें आ सकते हैं। सो कुछ चेंज होगा जो आपकी ग्रोथ में या फिर असेंशन में हेल्प करेगा। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, हमारी डिवाइन फेमिनाइन, जिसने उन्हें लेट गो किया हुआ है, उन डीएम का इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं, इमोशनल पर्जिंग से वे गुजर सकते हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो दोस्त, करंट एनर्जी की बात करें, तो इस टाइम हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में हैं, सैडनेस में हैं, और हमारी डिवाइन फेमिनिन भी उनकी हैवी एनर्जी को फील कर रही हैं। यह वही डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिन्होंने किस पास टाइम में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, और ना ही कोई कमिटमेंट ही। बहुत सी चीज़ें हाइड किए हुए थे, यह
उनकी एनर्जी हमारे डिवाइन फेमिनाइन फील कर रहे हैं। तो इस टाइम 11-11 के पोर्टल में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग को फील किया होगा, बहुत से डिवाइन फेमिनिन की लाइफ से उनके डीएम वन साइडेड हुए होंगे, आप एक स्टक सिचुएशन में आए होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे रुकना है या फिर आगे बढ़ना है, मुझे इग्नोर करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, मुझे डीएम को लेट गो करना है या फिर अपने उसी कार्मिक पैटर्न जिसमें मैं इतने टाइम से चली आ रही थी उसी में वापस जाना है। तो आप वहाँ आकर फिर से स्टक हैं, तो वहाँ 12-12 के पोर्टल में आप उस स्टकनेस से बाहर आएंगे, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि आपको रुकना है या फिर बढ़ना है, आपको क्या इग्नोर करना है और क्या एक्सेप्ट करना है। आपका आंसर आपकी खुद ही आपको देना है, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन को हाई करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। इस टाइम आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पे होगी और आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर आगे भी बढ़ेंगे। अपनी इंट्यूशन को सुने, क्या सही है क्या गलत है, खुद से ही पूछें और डिसीजन लें, क्योंकि आज बहुत से डीएम उसी जोन में है जिसमें हमारी डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन के टाइम में हुआ करती थी, जब वो रनर और चेजर का से गुजर रही थी, फेस से गुजर रही थी। आज हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन भी उसी चीज़ को फील कर रहे हैं जब उनकी डिवाइन फेमिनिन ने उन्हें लेट गो किया है, जिसमें उन्होंने कभी अपनी डिवाइन फेमिनिन को डाला था। सो इस टाइम वो रिग्रेट की एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल है, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, दुखी हैं और अपने पेन नहीं दिखे और अपने पेन को शो नहीं कर रहे हैं, अंदर ही रख रहे हैं, थोड़ा ईगोस्टिक भी हैं, अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो वो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाए और डिवाइन फेमिनिन भी, और इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। सोच में आ रहे हैं कि कैसे सब सिचुएशन को मैं ठीक करूं, कैसे ट्रस्ट को बढ़ाऊं, कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें, और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपना प्यार कैसे वापस से पाना। तो दोस्तों, ये वो सोच थी जो अगस्त से लेकर अब तक सेपरेशन या फिर रनर चेजर से फेस से बाहर आई थी और सेपरेशन से गुजर रही थी, और नवंबर के 11-11 के पोर्टल में एक स्टकनेस में आ गई थी कि वह एक दोराहे पर खड़ी थी कि वह कहाँ जाए, इधर जाए या उधर जाए, एक सिचुएशन में फंसी हुई थी। और यदि मैं उन सोल्स की बात करूँ जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं, 3-4 साल से इस जर्नी में हैं, वहाँ भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ऐसे ही बनी हुई है। आज काफ़ी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन उदासी में हैं, उदासी को फील कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, काम में बिजी हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन को फील कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने वर्क पर फोकस बनाए हुए हैं, शांत हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपने इमोशंस अपनी भावनाओं को अंदर ही रख रहे हैं, उन्हें लग रहा है क्या एक्सप्रेस करूं, जिसे ही ज़्यादा इमोशंस दिखाता हूं वो ही हर्ट करता है, किसी को भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे कोई भी समझता नहीं है, फिर किसी को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक खालीपन उदासी से वह घिरे हुए हैं, किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, उनकी सोच यही बनी हुई है कि जिसे मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो ही मुझे हर्ट करता है, मेरे प्यार इमोशंस को नहीं समझता है, जितना मैं करता हूँ फिर भी मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता है, जिससे उनका दिल टूट जाता है, उन्हें फील होता है जैसे मेरी लाइफ बस अब सबको समझाना और मनाना ही रह गया है, जिसमें वो दुखी हो रहे हैं और हर वक्त अपने प्यार का प्रूफ ही क्यों देना है, यही सोच में आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन जिसे मैं इतना प्यार दिया वो भी नहीं समझ रही है, उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन का साथ चाहिए, बट
उन्हें लग रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझे नहीं समझेगी, सो वो उसे भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और शांत हो गए हैं। प्यार रोमांस जैसे उनकी लाइफ से ख़त्म ही हो गया है, जैसे लाइफ ही ख़त्म हो गई है। उन्हें लव एनर्जी फील ही नहीं हो रही है, खुद को बेबस फील कर रहे हैं, सो काम में बिजी रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर ही टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ भी अच्छा उन्हें नहीं लग रहा है। उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन से भी हर्ट हुआ है, कोई बात उन्हें उनकी बहुत हर्ट कर गई है, जिस कारण उन्हें फील हो रहा है जैसे मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने भी मुझे नहीं समझा और उसने भी मेरा साथ नहीं निभाया। उन्हें फील हो रहा है कि गलती मेरी भी है, खाली डिवाइन फेमिनाइन की ही नहीं है, मुझ में भी कुछ कमियां हैं जिस कारण से वो मुझसे दूर है, बात नहीं कर रही है, लेट गो कर रही है या फिर मुझे इग्नोर कर रही है। कहीं उनका मन नहीं लग रहा है जिस कारण जिम या फिर नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि स्ट्रेस रिलीज कर सकें। काफ़ी लोग उन्हें देखकर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली उनसे जुड़ना चाहते हैं, बट यह उनसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे एक बेवस लाचार फीलिंग्स इमोशंस जैसे बचे ही नहीं हैं। उदासी हताश हारा हुआ इंसान कमज़ोर लाचार मजबूर खुद को पा रहे हैं, बस अकेले रहकर बैठे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, पत्थर से शांत हो गए हैं, नेचर में या कहीं बैठकर सोचते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिस करते हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कोई लव कनेक्शन उन्हें अब नहीं चाहिए, बस अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहे हैं, अपने आप में रहने अपने से बात करना बस काम में ही टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, अकेलेपन की जैसे उन्हें हैबिट सी हो गई है। दोनों सोल्स जब से सेपरेट हुई हैं दोनों ने ही हंसना बोलना बंद कर दिया है, दोनों ही अपनी लाइफ को बस जी रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस जीना है, टाइम पास करना है कैसे करके और बस मर जाना है, जैसे उनकी लाइफ अब कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान के थॉट्स हो जाते हैं, जैसे दोनों सोल्स वैसे ही वह सोच रहे हैं, बस अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा तो रहे हैं, जो काम वो पहले काफ़ी खुशी खुशी किया करते थे अब वो हैप्पीनेस कहीं खो गई है। दोनों ने ज़िंदगी जीने का अंदाज ही चेंज कर दिया है, जैसे पहले जिया करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठिठोली प्यार फील किया करते थे, एक लविंग एनर्जी को फील किया करते थे, आज वो सब कहीं खो गया है। दोनों में ही एक शांति सी आ गई है, अकेले बैठे रहते हैं, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, दोनों ने ही हैप्पीनेस हंसी को खो दिया है, दोनों सेम एनर्जी में हैं और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं, अकेले रहकर ही ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, बहुत कुछ खो चुके हैं, घर परिवार अपने सोल बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, अपने पेन को खुद में ही रखे हुए हैं और जल्द ही सब ठीक करेंगे, क्योंकि अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही अब वो हैप्पीनेस पाते हैं, उन्हें उनके मुख पर स्माइल आती है अपनी डिवाइन फेमिनाइन को देखकर ही, सो उसी को याद कर उसी का साथ ही उन्हें जीने की राह देगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी और 12-12 पोर्टल, और जैसे कि कल एकादशी है तो इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है। इस एनर्जी को देखकर यही लगता है कि इस टाइम बहुत ही हैवी एनर्जी बनी हुई है, जिस कारण से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच अनबन झगड़ा या फिर नाराज़गी हो सकती है, जिस कारण से दोनों सोल्स में सेपरेशन है, बहुत सी सोल्स का रीयूनियन हुआ है और बहुत सी सोल्स एक दुख में या फिर एक उदासी से घिरे हुए हैं।
हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी डिस्टर्ब ही बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको 12 12 के पोर्टल तक। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।